गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिस एक पर एक से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम चलते हैं, आज चलेंगे एपी की ओर चलेंगे दोस्तों। तो मैं इसमें जो है एपी क्या है, एपी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्लास क्लास इलेवंथ एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम चलेंगे चैप्टर जो है एपी, राइट। एपी का मतलब होता है दोस्तों अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोग्रेशन का अर्थात सीरीज होता है, सीरीज होता है, राइट। समझ जाओ, जैसे आपने एपी किया, राइट, तो A1, A2, A3, राइट, एरेजेस ये होता है एन, राइट। इनको दोस्तों कहा जाता है एल भी कहा जाता है, टी एल भी कहा जाता है, यानी जिसे कहा जाता है लास्ट टर्म, ओके। अगर इसको निकालने के पहले आपको निकालना पड़ेगा टी, होता दोस्तों A2 - A1, डी मत होता दोस्तों कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। अब एशियन का जो ए का जो टर्म का फॉर्मूला दोस्तों, यानी लास्ट टर्म जैसे जहां टर्म लिखने का, तो एल या एन या टी, राइट, इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, राइट। फिर दोस्तों ए वन का एक मतलब होता है फर्स्ट, आराम से देखिए फर्स्ट, राइट। इसके दोस्तों आता है सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी। एसन का दोस्तों फॉर्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। एक एसन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन, राइट। तो ए दोस्तों फॉर्मूला है इस कतार पे, राइट। अब हम दोस्तों इसके ऊपर हमने मैथ बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद सीरीज का फॉर्मूला है एपी का, तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एपी जो है ना, अब हमने जब अगर जैसे देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कभी कभी क्या होता है, देखिए एसन एसन कभी A1 के बराबर हो जाएगा, राइट, और तो बराबर हम करेंगे, राइट। अब अगर हमें निकालना हो S2, तो यानी A1 प्लस A2, या मान उसका ज्ञात कर सकते, या 2p प्लस q ज्ञात कर सकते हो। अगर a2 निकालना हो तो h2 माइनस s1, ये भी आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, ओके। अच्छा, इसके बाद दोस्तों फॉर्मूला जो है इसके बाद है अर्थमेटिक मीन, राइट, यानी इसका फॉर्मूला है a = a + b / 2। इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लीजिएगा किसी भी भाषा में, ये भी आपका काम है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अर्थमेटिक मीन्स में बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ना याद करना, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज को याद करिए और उसे नोट करिए, है ना। उसको नोट करेंगे तो आपको और भी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मैं करना सिखाऊंगा आपको, है ना, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है हम आपको कराएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम बिल्कुल अच्छी तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो डी निकालने का फॉर्मूला है अर्थमेटिक्स का, देखिए अर्थमेटिक्स में, राइट,
जो डीन का लियो फॉर्मूला बेटा इसका वो है आपका बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ओके, अगर आपको ए वन निकालना हो तो फॉर्मूला कर लो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, राइट। और ए वन को निकालना हो तो ए प्लस वन डी, क्लियर हो गया। अगर आपको ए नहीं निकालना हो तो एन का शॉर्ट फॉर्मूला है ए प्लस एन डी, यानी ए प्लस एन बी माइनस ए और एन प्लस वन, ठीक है। ए आपको फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके आधार पर आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम आपको कुछ करवाएंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों यही चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसे आप नोट करिए, इसको आप याद भी करिए, ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिस जब करेंगे चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियो हो वो आपको तक जल्दी मिले, है ना। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों लेट ना करें, है ना, और लेट करने से नुकसान आप ही करें, है ना, लेट ना करें तो अच्छा है। ये हम चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग चैनल को प्रैक्टिस करें। देखो दोस्तों, जैसे हाँ इसे मानिए मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, देखिए हाँ ये क्वेश्चन जो है, देखिए इंसर्ट फाइव फाइव नंबर्स बिटवीन, राइट, बिटवीन ए एंड 26, राइट, सच दैट Select the resulting sequence 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 and sequence is क्या बोल रहा है इंसर्ट को समझिए, ये आपका 14वां क्वेश्चन है, आराम से समझिए। इंसर्ट फाइव नंबर्स बिटवीन ए एंड सिक्स, यानी दोस्तों बीच के अंदर में आपका फाइव है, 1 2 3 4 5, और ए हो गया आपका 8 और ए हो गया आपका 26। ओके, तो ए दोस्तों हो गया आपका ए बी, समझ गए। ए आपका हो गया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, यानी दोस्तों एन का मान हो गया 7 और ए का मान हो गया ए वन यानी ए का मान हो गया 8 और एन का मान आ गया 26। ओके, तो ए का फॉर्मूला जो दोस्तों होगा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किलो गया किलो है। अब एन का मान कितना है 26, ए का मान कितना है ए 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए हो जाएगा 26 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 6 डी, सॉरी ये हो जाएगा 6 डी, ये हो जाएगा कितना 18 इक्वल टू 6 डी, तो डी के वैल्यू हो गया 18 अपॉन 6, तो
कट करो, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए, अब मुझे क्या कट करना है, ए टू, यहाँ लिखिए ए टू यानी ए प्लस 1b, ये कितना है 8, 1 इंटू डी कितना है 3, तो हो जाएगा 11, यह हो जाएगा ए टू, ए प्लस ए टू हो गया। अब यहाँ निकालेंगे ए थ्री, ए प्लस 2d, ये कितना है 8, 2 इंटू 3 इसका 2, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, ए फोर क्या लिखोगे, ए प्लस 3d, ओके। तो ए का हो जाएगा 8, 3 इंटू 3 कितना हो गया 8 प्लस 9 यानी 17। ए फाइव, ए प्लस 4d यानी 8 प्लस 4 इंटू डी का 3, 8 प्लस 12 क्या हो जाएगा 20। ए सिक्स, ए प्लस 5d, 8 प्लस 5 इंटू 3, 8 प्लस 15 23, राइट। ए सेवन कितना हो गया 26। तो यहाँ दोस्तों एपी की जो वैल्यू आई, एपी की जो वैल्यू आई वो एम का वैल्यू कितना है 8, राइट, ए टू 11, 14, 17, 20, 23 और 26। दिस इज आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो फिर आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो के लिए।